तो आज हम लोग जा रहे हैं महाप्रोल, एक वेडिंग ऑर्डर है तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर महाप्रोल में। तो ये सिर्फ ट्रैवल वीडियो रहेगा, ऐसा मतलब वेडिंग का फोटोशूट वगैरह वैसा कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ ट्रैवल वीडियो रहेगा। और हाईवे से नहीं जा रहे हम लोग, थोड़ा सा गांव के रास्ते से जाएंगे हम लोग, तो उससे रिलेटेड ही वीडियो रहेंगी। तो अभी आए हम लोग पेट्रोल पंप पर। यार ये कैमरा लगा है क्या? इसी से पता चल रहा है कहाँ कहाँ दिख रहा है। हाँ ये काम बहुत बढ़िया है, बहुत मस्त लगा रही है। अभी ऐसे घूम रहे तो वीडियो बना के घूमो। बराबर बराबर, एक नंबर। खाली फुकट के टाइम भी पास हो जाएगा ऐसे ही। असल में यहाँ पर पेट्रोल तुम भरते ना तो फ्री में हवा चेक कर सकते हैं यहाँ पर। ये मतलब भारत पेट्रोलियम में होता ही है, ऐसा दूसरे भी होता रहेगा पर यहाँ पे होता है। तो ये इजी टू यूज़ है, कोई टेंशन नहीं। चुप अपना वो पे चेक करो और जाओ, वो बिजी है शायद से। वो बिजी है इसलिए मैं ही करता हूँ, उसमें क्या हो गया। हो गया, ये जनाब आने तक फजर हो जाएंगी, हमको जाना है जल्दी। हाँ ये पेट्रोल पंप पे एवरेज ज़्यादा आता है दूसरे पेट्रोल पंप के मुकाबले में, इसलिए मैं यहाँ से भरता हूँ। एक यहाँ पे आता था पहले, उसके बाद बीच में कुछ तो हुआ था इसलिए नहीं आ रहा था। तो समझ जाओ क्या आ रहेगा इनका मैटर। तो ये पेट्रोल पंप पे एवरेज अच्छा आता है इसलिए मैं यहाँ से ही डालता हूँ। विसावा के पास है ना भारत पेट्रोलियम का, मतलब कॉलेज के पास। दो दिन का ही इवेंट है सिर्फ, वो क्या बोलते हैं, इंगेजमेंट और हल्दी का। शादी हो रही है उनकी पनवेल में, तो पनवेल में नहीं जाना है मेरे को, बस दो ही दिन का कवर करने का है। तो देखते हैं। और महाप्रोल में केक मिलते जो कि ये अपने नॉर्मल केक, पुराने घर टाइम पे जो बनाते थे वैसे वाले केक, तो वो केक भी लेने के। फाइनली अपने रोड बन चुके हैं मोस्का, तो केक के लिए डब्बा लिया। अगर देखते वो केक जहाँ से मिलता है वो भी थोड़ा कवर करूँगा, बताऊँगा कहाँ पे मिलते केक। और वो पुराने टाइम के, ज़रा पुराने मतलब ट्रेडिशनल केक, ये अभी के वो आइस केक वगैरह ये सब फालतू, ये अच्छे, बहुत अच्छे। कंटाला आया है मालूम नहीं क्यों, फिर भी ऐसा ही टाइम पास के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बुं 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 बुं। और अभी हम आए हैं विनेश्वर मंदिर के पास, ये है विनेश्वर मंदिर। और अभी यहाँ से असल में वो जो पिछली जो वीडियो थी अपलोड किया था मैं, उधर से भी रास्ता है महाप्रोल में जाने के लिए। वो नहीं देखे रहेंगे तो देख लो अगर फुर्सत से टाइम हो तो जिंदगी में, क्योंकि मैंने वो वीडियो अपलोड तो किया पर उसमें ज़्यादा भी एडिट नहीं, ऐसे ही रॉ के रॉ डाला। बोला कि मैं एडिट ही नहीं करूँगा, कंटाला आया था बहुत। और ऊपर से मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया लेकिन कभी अपलोड नहीं किया, इसी के चक्कर में कंटाला आया। एडिट करने कौन एडिट करेगा, खुद की वीडियो कौन एडिट करता है, मतलब बहुत कंटाला आता है खुद के वीडियो को एडिट करने को। तो सोचा जैसा है वैसा ही अपलोड करते हैं, देखेंगे आगे। अभी मेरे को ये भी नहीं मालूम कि मैं वीडियो अपलोड करूँगा क्या नहीं, फिर भी देखते हैं अभी। और ये यहाँ पे चमकादड़ की बस्ती जो कि गायब हो चुकी है, पहले बहुत थे, कभी भी एयरड्रॉप होने के, अभी वैसा कुछ दिख नहीं रहा है, चमकादड़ लगते गए। और ये गार्डन एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम लोग यहाँ पे जाते थे, ज़रा आधा एक घंटा खेलते थे और जाते थे घर पे स्कूल के दिनों में। और ये दादली का ब्रिज, और ये साइड से मस्त सुहाना व्यू।
और इंडोनेशियन स्टाइल में स्कूटी भी आ चुकी है इलेक्ट्रिक, जो कि अच्छी है। बस पेट्रोल में आनी चाहिए थी, इलेक्ट्रिक ही क्यों। और ये महार के महान स्पीड ब्रेकर्स, बिना स्पीड ब्रेकर के रोड वाकई में अच्छा था, बहुत अच्छा था ये। और हमेशा कंक्रीट के रोड से मेरे को डांबर के रोड अच्छे लगते पहले से ही, वो मज़ा इसमें ना वो इसमें नहीं है। ये बहुत ही घटिया रोड है, क्या मालूम ये कंस्ट्रक्शन के लिए आसान पड़ता है क्या, कम पड़ता है या ज़्यादा पड़ता है, या फिर मेंटेनेंस के लिए अच्छा पड़ता है लॉन्ग टर्म के लिए, मालूम नहीं। पर ये रोड बहुत घटिया कसम से, ये अपने ये रोड अच्छे डांबर के, ये रोड मतलब वो हाईवे बना है, ये रोड बहुत ऑफ रोड है। लास्ट टाइम मैं गया था तो बोलने का मतलब बहुत टाइम हुआ मेरे को गए ले, तो ये ऑफ रोड है। और ये हम लोग कहाँ पे, महार के, मेरे को नाम भूल गया मैं ये जगह का, ये कुछ तो है इसका नाम मालूम नहीं क्या है, इधर किधर पॉपअप होता रहेगा नाम, ये पीछे जो स्टॉप गया उसका। मेरे को टाइमिंग दिया है 11 बजे का, 11 बजे तक आओ कोई प्रॉब्लम नहीं, 11 बजे 11:30 बजे उनका मंगनी का इवेंट भी चालू होगा, यानी गांव के लोग आते हैं बातें होती है। ये रूट से आ रहा हूँ मैं क्योंकि वो हाईवे का रूट तो आप लोगों ने देख ही लिए और कुछ कमी भी नहीं है उसमें मैंने, क्योंकि पूरा रॉ वीडियो अपलोड किया तो ऐसा भी नहीं बोल सकते ये चीज़ मिस किया वो चीज़ मिस किया कुछ नहीं, ये बस देखने के लिए। अभी वो रोड से जाऊंगा, चुप जाऊंगा, छुपाऊंगा, कुछ टर्न नहीं कुछ नहीं, मतलब वो टोल के बाद वो बात अलग है, पर टोल के पहले कुछ ये नहीं। तो मैं सोचा यहाँ का ऑफ रोड ही बता दूँ, कोई ना, इधर की रोड की कंडीशन गलती से भी आना है या नहीं आना है उसके बारे में न्यूज़ बता दी हम। अब ये रोड को बने हुए 5 साल हो चुके हैं, अभी आ रहे इलेक्शन तो शायद वापिस हो काम। ये इलेक्शन 5 साल की जगह पे 2-2 साल पे होने चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग के पीरियड में लोग काम करते हैं और एंडिंग के पीरियड में काम करते हैं, तो रोड हमेशा चंगे रहेंगे। 5 साल में एक बार इलेक्शन होते हैं तो लोग इलेक्शन के स्टार्टिंग में ध्यान देते हैं, नहीं तो एंडिंग में ध्यान देते हैं। उसके बाद 3 साल तो पब्लिक की लगती है, और पब्लिक भी ऐसी है कि वो भूल जाती है। और ये आए हैं अपन, ये कौन सी स्कूल है कभी ध्यान नहीं दिया, ये मॉडर, अच्छा मॉडर इंग्लिश स्कूल, कौन पढ़ा होगा इधर से तो कमेंट बिलो। पहले ये रोड सही में अच्छा था, मज़ा आती थी चलाने को, पर अभी एकदम घटिया हुआ है। बाइक वाले का तो चलो ठीक है, साइड से थोड़े से ग्रेवल में से जा सकते तुम, लेकिन गाड़ी वालों के, विक्रम वालों के, रिक्शा वालों के तो उदास। फिर भी बाइक वालों को थोड़ा एडवांटेज मिलता है बड़े टायरों का, और स्कूटी वालों का छोटे टायर तो एक एक खड्डा फील होता है। और ये रेती बंदरगाह मतलब शिपिंग का ये रहता है ना, मतलब काम किए भी तो ऐसा किए कि वो पैच जो लगा है वो भी पैच निकल रहे, मतलब क्या येरा बनाए एकदम मजबूत मजबूती से येरा बनाए। और ये नागिन स्टाइल में हम चलाते हुए, और ये यहाँ पर पत्थर की माइनिंग, बारिश के टाइम पे यहाँ पे अच्छा वाटरफॉल आता है, मतलब एक्सीडेंटली उधर कोने में वहाँ पे जाएंगे कभी। वैसे अभी ये चालू है क्या बंद है वो भी नहीं मालूम, बंद है शायद से, जाएंगे कभी बारिश में। होई होई। अभी ये रोड, ये पैच अच्छा है वो गांव आने तक, सौ गांव है ना वहाँ तक ये पैच अच्छा है, मतलब सिंगल लेन अच्छा किए, मतलब ऐसा नहीं कि ये साइड में भी अच्छा है वो साइड, बीच में अच्छा किए। और ये आए हैं हम लोग
सौ गांव, ये शायद से गांव का नाम सौ ही है या फिर वो अंदर है, मेरे को इतना भी कुछ आइडिया नहीं है। देखते हैं अभी इधर की तो बोर्ड था क्या पीछे, बोर्ड नहीं था शायद से। और यहाँ से अंदर जाता है वो गर्म पानी के लिए रास्ता, वहाँ पे गर्म पानी का रास्ता, मतलब ये गर्म पानी का चश्मा है वहाँ पे। उधर एक दरगाह भी है, एक छोटा सा गांव है वहाँ पे, तो वहाँ पे ज़मीन में से गर्म पानी आता है, मालूम नहीं कैसे, पर वहाँ पे 24 घंटे ज़मीन से गर्म पानी आते रहता है। तो जाएंगे एक दिन वहाँ पे, गर्मी में जाके तो मतलब नहीं, अभी ठंडी में जाएंगे सुबह सुबह, वहाँ पे टाइम मिलेंगे वैसे, और थोड़ा सा दिखाएंगे आपको, सारे पाप धुल जाएंगे वहाँ पर जाके। मजाक कर रहा हूँ, वैसा कुछ थोड़ी हो जाता है कुछ, लेकिन ऐसे नेचुरल जो सोर्स रहते हैं गर्म पानी के, वहाँ पे एक बार तो भी डुबकी लगानी चाहिए। जो भी स्किन प्रॉब्लम्स वगैरह रहते रहेंगे तो वो शायद से उससे जाते रहेंगे, क्योंकि जो अपने को मिनरल्स और जो चीज़ें चाहिए वो गर्म पानी से, जो नेचुरलिटी रहता है, तो उससे वो चीज़ें दूर हो सकती है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। पीछे को नहीं ना, यहाँ पे बहुत गंदा पैच था कसम से, बाइक एक बार मैंने कुदाया था उधर से ऐसी वो डायरेक्ट हवे में, ओवरटेक करके ब्रेक ही मारना पड़ता है, मतलब क्या ओवरटेकिंग का, पर अपने को ट्रक के पीछे रह के नींद आती है, ज़्यादा देर हमें ट्रक का पीछे का हिस्सा पसंद नहीं आता। पर ये रास्ते भी ऐसे ओवरटेक करेंगे कौन यार, पहले से ज़्यादा ही बेकार हुए रास्ते। ये पैच तो अच्छा था एकदम, पूरा बिगड़ा है। और ये यहाँ से पूरा दासगांव दिखते हुए, थोड़ा आगे से दिखेगा और अच्छे से, पीछे कौन नहीं, इसलिए हम ये नागिन जैसा लहराते, वरना फिर हम नहीं लहराते। और ये रोड लगता है अभी बना है, दिख रहा है तरोताजा, जो कि पैच मारा हुआ है। खैर ये रोड तो वैसा ही था, मतलब बीच में बनाए थे आजू बाजू का नहीं, पहले से। और ये ब्रिज दासगांव के लोग यही ब्रिज से मतलब यहाँ पर आते हैं, क्योंकि बीच में नदी है ना, उनको आने का रहा तो महाड़ से आना पड़ता है, तो यही ब्रिज है, यहाँ से वो रेलवे ट्रैक से साइड से चलते हुए आते हैं। अगर वहाँ पे अगर फोर व्हीलर टू व्हीलर के लिए अगर ब्रिज बनता है, मतलब उसके ही साइड में, तो जो दासगांव वगैरह लोग जो महाड़ से होते हुए आते हैं, तो वो महाड़ से होते नहीं, वो दासगांव से ही होते हुए आएंगे। तो महाड़ के जो महाड़ से जो आते, वही शाबाश स्पीड ब्रेकर, अच्छा स्कूल है इधर इसलिए, अरे छोटे स्पीड ब्रेकर कोई नहीं, अगर स्पीड में रहा आदमी तो इतनी तकलीफ नहीं होगी जितने एकदम वो टीके स्पीड ब्रेकरों से होती है। और इनके इमरजेंसी तो आदमी उड़ाते हुए लेके जा सकता है। यार ये झाड़ बड़े सही लगते हैं एकदम, मतलब रोड के पूरे टनल टाइप। अभी से रोड अपने अच्छे एकदम, मतलब लास्ट टाइम आया था तो अच्छे ही थे, अभी मालूम नहीं अभी कैसे हुए, चलो देखते हैं। अच्छे ये झाड़े ना गर्मी के टाइम पे कुछ लाल या फिर येलो कलर के फूल गिरते, बहुत भारी लगता है ये पूरा रोड है ना, ये झाड़ मस्त लगते हैं सब, मतलब गर्मियों के टाइम पे अभी भी अच्छे एकदम मस्त लाजवाब। और ये आया है तुरिल का फाटा, या फिर ये तुरिल ही यहाँ से चालू है, ये पूरा तुरिल है। और ये तुरिल का मदरसा या मस्जिद है, नहीं मदरसा है आई थिंक, यहाँ पे अंदर तुरिल, और यहाँ से शायद से जुई के लिए, जुई आएंगा शायद से, अभी जो पहला जो गांव आएगा वो शायद से जुई है। ये लोग रोड ऐसे बनाते कि 5 साल में बिगड़नी ही चाहिए। वैसे बोलने को अपने इंडिया का जो टेम्परेचर और जो सिचुएशन है, तो अपने रोड बहुत एक्सट्रीम लेवल पे सर्वाइव करते हैं,
पर कुछ रोड ऐसे भी है जो ये तीनों मौसम के रहने के बावजूद वो अच्छे रोड है। ये सीन बहुत भारी है। ये जो बोल रहे थे ना यहाँ पे जो ये ऐसे येलो येलो फूल ने तो फिर ऐसे लाल वाले गिरते बहुत अच्छा दिखता है रोड के ऊपर वो, पर लोग काट देते ऐसे झाड़ों को पता नहीं क्यों। जाहिल गवर भिंडी गोभी ये शायद से जुई का हुए माशाल्लाह मस्जिद एकदम मस्त। और ये स्पीड ब्रेकर घटिया, और ये स्पीड ब्रेकर अभी एक और मिलेंगे फिर शायद से मिलेंगे या नहीं मालूम नहीं, पर अभी एक और है स्पीड ब्रेकर जहाँ तक मेरे को मालूम है टर्निंग पे ही रहेंगे क्योंकि मैं वो टर्न पे एकदम फुल मूड में था और ये टर्न पे मैं उड़ा दिया। बाकी क्या क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। क्या भरोसा अगर डायरेक्ट इधर ही टर्न पे डाले तो लिंक करते करते में हूँ। ओके ओके। और ये ग्राउंड एकदम मस्त बड़ा मोटो जीपी टर्न यार ये बड़ा सही घर लगता है मेरे को, एकदम सिंपल स्ट्रेट बिल्डिंग भी नहीं बोल सकते मतलब बीच में का कुछ ऐसे ट्रेडिशनल रहते हैं कुछ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा अभी ये गांव के उधर से वो जो उधर से खराब रास्ता था लास्ट टाइम जो देखा था मैं वो मतलब वो रोड बड़ा कर रहे छोटा है ना नैरो उसको वाइड कर रहे, तो देखते हैं अभी वो रोड हुआ है या नहीं क्योंकि ये रोड थोड़ा नज़दीक पड़ता है जाने के लिए वहाँ टोल में। ओए क्या ही खड्डा है। स्पीड लिमिट 20 किलोमीटर पर आवर क्यों ये खड्डा देखो रात के टाइम पे अगर कौन आएंगे तो एकदम मोजे हो जाएंगे उसके खड्डों में। नहीं मेरे को तो नहीं लगता बना रहेगा क्योंकि इधर भी खोद के रखे मतलब रोड नहीं बनाए मेजॉरिटी। हाँ नहीं बनाए पैशन वाला फुल मूड में आया है 60 की स्पीड में कौन ही मूड में आता होगा 50। और मेरे को भी मालूम नहीं ना कब किधर कौन सा खड्डा है। ये इधर के लोकल रहेंगे तो वो जैसे चला रहे हम भी चलाएंगे, वो शांति से चला रहे तो वो पागल थोड़ी होंगे कि वो शांति से चला रहे। और ये पुराना वो बर्गर का जार बर्गर का नहीं मालूम नहीं कौन सा जार है। तो परिस्थिति कुछ सुधरी नहीं है। और ये नदी और ये मस्त रोड यार जो मज़ा इसमें है ना भाई जबरदस्त। बाइक पूरी ऐसी होती ना मजबूत। और पिछले वीडियो में लोगों के जो कमेंट आए आए हाय जो कमेंट जो यूट्यूब पे है वो नहीं कॉल करके आए थे कमेंट कि भाई क्या ही कर दिया तूने कब पहुँचेगा ये उनको नहीं बोला उसका कमेंट है वैसा इससे अच्छा लाइव स्ट्रीमिंग ही कर लेता फिर मेरे ऑप्शन बुरा नहीं था लाइव स्ट्रीमिंग का। पर मेरे को क्या मालूम कि मैं पूरी वीडियो अपलोड करने वाला या फिर वही वीडियो को मैं लाइव स्ट्रीमिंग पे जैसा अपलोड करते वैसा किया रहता तो अच्छा रहता। एनीवेज और मेरा भाई सुहेल वो बोलता है मैं बोलता हूँ अभी आएगा फोटोशूट अभी कुछ आएगा वो भाई मेरी पूरी वीडियो देख लिया पर उसको कुछ नहीं मिला। वो बोलता है उसने ठीक से टाइटल भी नहीं पढ़ा कि रॉ वीडियो नो कट वगैरह डायरेक्ट प्ले किया उसने और वो देख रहा है कि नहीं अभी कुछ फोटोशूट जैसा आएगा कुछ तो आएगा अभी भाई पूरी वीडियो देख रहे आधे में स्किप करने लगे पर वो बोलता फोटोशूट किधर है अभी देखते वो भी वीडियो अपलोड हो जाएंगी जल्दी या नहीं होंगी पता नहीं है मेरे को भी क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा ही है वीडियो एडिटिंग का तो देखते हैं अभी कब तक हो जाता है वो काम। वो जैसे ही हो जाएगा तो अपलोड हो जाएगा वीडियो पहले उनके वेडिंग का करूँगा उसके बाद फिर वो वीडियो एडिट करूँगा। वैसे वो ज़्यादा तो नहीं करना पड़ेगा उसको
बस कैसे मतलब अंदर जो गेटिंग रेडी के टाइम पे जो शूट हुआ था, मतलब फोटोज निकाला था, तो उसका एक बिहाइंड द सीन। अब मेरे को ये भी नहीं मालूम कि मैंने टी शर्ट पे जो लगाया था कैमरा, वो टी शर्ट से बराबर कैप्चर हुआ है भी क्या नहीं, हवे में चल रहा था सब। और मैंने टी शर्ट भी ना जरा ढीले पहना था, तो वो एंगल कैमरा इधर उधर हो रहा है उसका भी मेरे को कुछ अंदाजा नहीं। अभी वो देखते हैं जब मैं वीडियो एडिट करने लूँगा तभी समझेंगे। स्टार्टिंग में तो बराबर दिख रहा है एंगल, अभी बीच में मैं ज़रा सा बैठा हूँ, खड़ा हो रहा हूँ, जैसा भी है, तो वो देखते हैं अभी कैसा क्या होता है। ये ऐसा गंदा सीन है ना अपने एक्सप्रेस हाईवे पे भी है, 66 पे नेशनल हाईवे पे, अच्छा रोड है, अचानक से धप करके रोड नीचे जा रहा है। यार ये रोड बनना चाहिए था, बहुत टाइम से देख रहा हूँ इससे अच्छा। फिर वो पुराना रोड था वही था, मगर इतना ही कब से चल रहा है ये काम, अभी ये जा रहा है मतलब रोड चालू है इसलिए ही जा रहा है ना, वो बेवकूफ थोड़ी है। शायद से मेरे को वही रोड से जाना चाहिए था, ये रोड मेरे को तो नहीं लगता बना है, बीच बीच में पत्थर वगैरह है। भाई ने टर्न मारा क्या, अपना पोपट हुआ, अपन भी टर्न मारेंगे उसमें क्या। अभी वो पूरा घाट बाकी है, छोटा सा घाट है, मतलब छोटा सा पहाड़ है, लगा छे मेरे को। अब ये गांव है वड़ाऊ, मेरे को मराठी नहीं आती वैसे, वो र तो समझ में आया बाकी का नहीं आया, वो क्या था वो क्या मतलब देखते, मतलब मेरे को मराठी का बेसिक थोड़ा बहुत समझ में आता, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। ऐसा सामने वाला अगर कुछ बोलेंगे मराठी में तो समझ में आती है, और उतनी बोलने को नहीं आती क्योंकि बीच में कोकनी निकलती है बाहर। यार ये रोड जब अच्छा था ना क्या ही मजा आती थी चलाने को, और अभी पूरी तो वाटर लग करके रखे एटलीस्ट, वो बीच में थोड़ा तो अच्छा किए वो ना, ये क्या, और ये पूरा गाँव शायद से मैं उधर से आया, हाँ उधर से आया, नीचे से बताया तो था मैं। अभी ऐसा लगता है कि मेरे को हाईवे से ही जाना चाहिए था, आते टाइम मैं अगर ये रोड से आता तो अच्छा रहता, लेकिन आते टाइम शाम हो जाती थी ना, तो शायद से अंधेरा भी हो, इसलिए मैं अभी जाते टाइम, अभी सिर्फ 30 मिनट बचे है टाइम पे पहुँचने के लिए। वैसे बोलने को मतलब अभी गाँव तो आया है, अभी नज़दीक ही है, ये बस घाट उतरने का और आ जाएगा। और ये ऑफ रोड चालू नहीं, ऑफ रोड नहीं, अच्छा है नहीं, ऑफ रोड है यार, नहीं आना चाहता। आधे घंटे के रास्ते को एक घंटा लगा ऑलमोस्ट, हम ऑन द वे ऑन टाइम है, चलो देखते हैं। और अभी हम इंटर हो चुके महाप्रोल के गांव में, ये लास्ट टाइम वहाँ से आया था, और ये बीच में अभी पहले जाएंगे हम, ये डब्बा देंगे उसके बाद अपने लोकेशन पे जाएंगे। मेरे को भी इधर का कुछ मालूम नहीं, मैं वो पिछले इसमें आया था, मेरे को लगता था पीछे महाप्रोल गांव है वो, पर असल में आगे है, देखते हैं अभी। और ये स्पीड ब्रेकर मंदिर के लिए यहाँ से गया था, यहाँ से नीचे से, और उसके बाद जब मैं आया था रात को तो अंधेरा था, तो मेरे को भी इतना कुछ खास रास्ता नहीं मालूम है अंदर जाने के लिए, वो रास्ता किधर से है, और मेरे को एक बार में रास्ता याद भी नहीं होता, तो शायद से यही रहना चाहिए। यहाँ से चिंती हाँ, असल में ये गांव की खास बात क्या है मालूम, यहाँ पे तुम छोटी गाड़ी ला सकते, बड़ी एसयूवी वगैरह लाए, और सामने से अगर कौन सी दूसरी गाड़ी आई तो खलास, एक को रोड के वो साइड में जाना पड़ेगा, बाकी जो दुकाना पड़ेगा। ये मेरे को भी नहीं मालूम था, बहुत ही नैरो रोड है इधर के, मैं उस दिन रात को आया था तब देखा,
मतलब ये गांव अच्छा है, मतलब छुट्टियों के लिए आते तो एकदम एकदम गाड़ी वीडियो लेके नहीं आने का, प्योर गांव के रिक्शा में बैठ लेके आने का, इसमें फाटे पे उतर के। और ये थोड़ा सा गाँव दिक्कत है मस्जिद तक, मस्जिद से किधर घर पे जाने का है तो मेरे को कॉल करना पड़ेगा, मस्जिद के पास ही है क्या? ऐसा ही हो, मस्जिद के पास ही है। हाँ यही है कन्फर्म, जिन्होंने ऑर्डर किए थे वो इधर ही है। फंक्शन शुरू हो क्या, खत्म हुआ था क्या? चलो फिर देखने के लिए शुक्रिया, बाय बाय। मस्जिद है ना तो यहाँ पे लगा था छाव में, किसी का टेंशन नहीं कुछ नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।